कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है। इसी अवसर पर कांग्रेस के सभी नेता पदाधिकारी आज नागपुर में आए हैं। इसी श्रृंखला में कांग्रेस के नेता संजय निरुपम भी आज नागपुर पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए निरुपम बोले, लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर उन्होंने संवाद साधा, साथ ही वंचित के साथ आने की बात पर भी उन्होंने संवाद साधते हुए कहा कि बिना शर्त साथ आए बातचीत करें और भाजपा को सब मिलकर हराने की दिशा में काम करें। इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियां जो महाराष्ट्र की हैं, उनका पहले से गठबंधन है MVA, और MVA के नेता यहां बैठेंगे महाराष्ट्र में और एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे सीटों के ऊपर। सीट शेयरिंग अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, उसमें निश्चित तौर पर खींचतान होगी, लेकिन हम बहुत सहजता से, सरलता से और आसानी से हम लोग बैठ करके आपस में सीट का बंटवारा कर लेंगे, जिसमें शिवसेना भी खुश रहेगी, कांग्रेस भी खुश रहेगी और NCP भी खुश रहेगी। अभी जो बयानबाजी आ रही है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी बातचीत शुरू ही नहीं हुई है। अगर वो आना चाहते हैं तो उनके ऊपर किसी को ऐतराज नहीं होगा, लेकिन पहले उनको ये तय करना है कि कांग्रेस को हराना है कि BJP को हराना है। एक दूसरी बात, पहले ही एक हिमालय पहाड़ की तरह एक शर्त रख देंगे तो फिर वो शर्त तो फिर मंजूर ही नहीं होगा, तो फिर बातचीत कैसे होगी। तो बिना शर्त आइए और निश्चित तौर पर कुछ सीटों पर आप भी लड़िए, कुछ सीटों पर कांग्रेस शिवसेना सब मिलकर लड़ें और मिलजुल करके कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराना है इस दिशा में काम करिए।